पूजा कहाँ का रेडी हो रही है? मेरा डीयू नहीं दिख रहा है। डीयू मुझे पता है। अच्छा ये नया वाला डीयू कहाँ जा रही बिजली गिराने? हैं? टेटू अरे आज तो शुक्रवार है, सब नमाज पढ़ने गए, जुम्मा का दिन है। अरे गाइस आप लोग बताओ कैसे लग रही है? अरे हम देख गए गाइस में ये वीडियो में लोग लाखों करोड़ों लोग आदमी देखेगा तो उसमें वो लोग बताएंगे। अभी बता जाए मेरे मुँह से खुलाओ मत। अरे अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है। हैं? 100 में 100 पक्का है। नहीं कंगी कर दे गुट्टू को तो भी चलेगी। ये देखो कैसे इन्होंने कितने साल से यही 20-25 साल से बोल तो ऐसी रहे कितने सालों से बोल रहे हैं। अरे टेटू होता क्या है? ये देखो आप खुद भी तो कहाँ है? हाँ दिखाते हैं ना, अभी दिखा देते हैं। ये क्या है? ये तो बचपन में मेले में घूम रहा था तो बनवा लिया था। हाँ बचपन में मेले में, मेले में कौन बनवाता है ऐसे वाला? मेले में बनाया था मैं। हाँ। तो भी 10 रुपए लिया था खाली। मार भी बहुत खाए थे मार बहुत खाए थे ना टीटू बनवाने के बाद। पोपट बना रही मेरी आप सही से बताइए मार खाए थे कि नहीं खाए? नहीं खाए था। क्यों आप तो खुद ही बोले थे जब मैं टीटू बनवा के आया था तो घर वाले बहुत सुनाए थे मारे थोड़ी थे ऐसा। ये देख लो इसको यार, ये जल्दी कर। कितने बजे का टाइमिंग दिया है? 3 बजे। हाँ तो इसको रेडी करेंगे, इसको पकड़िए ना। तो क्या आवाज है? इसको पकड़ लीजिए ना थोड़ा सा, इसको हट जाएगा ना थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। तो वो भी फिलहाल हम हो गए हैं। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। हम बोले हार्ट पे टैटू बनाने के लिए तो पर ये ना बोल रहे, मतलब उनमें ना बोल रहे हार्ट पे बनवाने के लिए, बोल रहे इधर बनवा इधर हाथ पे। सो फाइनली अभी हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और टैटू सब जो है वो मेरे घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है और गुड्डू को देखो वो बीच में एकदम आराम से बैठी है। तो फटाफट से वहाँ पहुँच के आपसे मिल रहे हैं। फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। क्या हुआ, बंद हो गया है क्या? फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। इतना सारा चप्पल देख के तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा भीड़ होगा। अब तो देखता हूँ। सो यहाँ पहुँचने के बाद भैया मुझे बहुत सारे टैटूज कंप्यूटर पे दिखाते हैं, बट मुझे चाहिए था मेरे बंदे का ऑटोग्राफ। वो भी मेरे को छोटा लग रहा है, बोलते दर्द होगा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। थोड़ा सा चौड़ा भी ऐसा हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। कितना ही जाएगा यार राइडिंग में ना, तो फोन चीटिंग कर रहे हो है ना आप? सही है, हां ये सही है। और गुड्डू को देख लो यहाँ सोफे पे बैठ के एकदम मस्त खेल रही है उसको मजा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा टैटू हो गया है फाइनल। तो भैया उसमें कुछ मेकओवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कलरफुल, बट मेरे को कलरफुल चाहिए एकदम।
तो T2 सिलेक्ट होने के बाद अभी हम थे वेटिंग लिस्ट में, तो अभी कर रहे हैं हम वेट। सो फाइनली वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे इतने सालों से इंतज़ार था। तो यहाँ पे जो है दो आर्टिस्ट हैं जो लगे हुए हैं अपने काम में, क्योंकि बंदे पहले ही बोला था कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो पहले ही उन्होंने दवा जो भी उनका होता है प्रोसेस वो कर लिए थे ताकि कुछ इन्फेक्शन या एलर्जी ना हो। तो यहाँ पे पहले टैटू को मार्क किया जा रहा है, उसके बाद उस पर डेल चलेगा। बंदे बार बार बोल रहे हैं पेन होगा। मेरे से ज़्यादा तो ऐसा लग रहा था मेरे बंदे डरे हुए थे, क्योंकि उनको भी पता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है जल्दी से, इसीलिए। तो इधर एक भैया का और टैटू बन रहा था और इधर थे हम। मुझे कुछ नहीं हुआ, देख गाना आ रहा है। हम तो बोला ना एक चीटी जो लाल चीटी काटती है ना, लाल चीटी एक बार काटती है कितना लग रहा है। हां तो वही तो हम ऐसा बोल डर के आ रही थी और यहाँ पे मेरी हालत हो रही थी खराब, लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हुए फिर बंदे बोले काम कर तू मोबाइल हाथ में ले ले फिर ध्यान भटक जाएगा। तो इधर देख लो गुड्डू बैग लटका के उधर बदमाशी कर रही है और हम खुद शूट कर रहे हैं इस टाइम पे ताकि मेरा ध्यान किसी तरह भटका रहे। आधी हिम्मत है और आधी टूटी हुई। सो यहाँ तो अभी सिर्फ आउटलाइन ही कंप्लीट हुआ है, अभी तो कलर उसमें बाकी है। तो आउटलाइन करने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई, तो फाइनली आउटलाइन हो गया। अब इसमें आएगा कलर, क्योंकि मुझे कलरफुल चाहिए था, तो आउटलाइन फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आएगा कलर, तो फाइनल देख सकते हो। सो यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं, तो मैंने कहते हैं मैं बाहर से कुछ स्नैक्स लेके आता हूँ तो थोड़ा ब्रेक लेगी तो शायद थोड़ा सा मूड फ्रेश हो। तो बंदे भी गए हैं बाहर। तो यहाँ सुपर मेन सुपर हीरो की तरह मेरे बंदे फटाफट से ठंडा लेके भी आ गए और वो भी लेकर आए हैं स्प्राइट। मेरे पैर का सूजन ऐसा लग रहा है और ज्यादा दर्द हो रहा है, पहले से फोल्ड रखे ना ऐसा लग रहा है और ज्यादा दर्द हो रहा है पैर में, क्योंकि दर्द वो दर्द है ना, चोट है पैर में। ग्लास भी लेकर आए, एक दर्द पे दूसरा दर्द ले रहे हैं। बंदे ये क्या कर रहे हो आप? जीत है। तो फाइनली थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बट भैया को होता है लेट तो भैया अपना काम जारी रखते बोलते हैं आप कोई बात नहीं, आप ब्रेक लो, आप ठंडा पियो, मैं इधर अपना काम करता रहूँगा। तो इधर हम अपना स्प्राइट पी रहे हैं, भैया अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अब बैठे बैठे आने लगती है मुझे नींद और थक भी बहुत जाते हैं, तो सो यहाँ पे आने लगती है नींद।
बंदे बोलते हैं काम कर तो सो जा। और यहाँ पे जो भैया का टैटू चल रहा था वो देख लो कितना बड़ा टैटू है भाई साहब। इनका टैटू देखकर तो ऐसा लग रहा था मेरा सर घूम जाएगा, इतनी बड़ी टैटू और वो भी हार्ट पूरा, मतलब इस हड्डी फेफड़े की स्किन के पास ले रहे, पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त करेंगे यार। मुझे देख कर ऐसा लग रहा था यार पता नहीं क्या बंदा है यार, मेरे तो इतने में हालत ख़राब हो गई कि देख लो मेरी हालत, ऐसा लग रहा है बीमार पड़े हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा पेन होने लगा रहा था, ऐसा लगा था अब रोएंगे पर बार बार बंदे मुझे कुछ ना कुछ बोल के, मतलब हंसाने की, कुछ फ़नी बोल के हंसाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी बातों में उलझ जाते थे, तो फिर मतलब उस दर्द से मतलब ध्यान हट जाता था। और ऐसे तो ऐसा लगता इतना दर्द हो, ऐसा लग रहा था छोड़ कर भाग जाए वहाँ से। तो अच्छा खासा बंदे टाइम पास कर रहे थे, तो मतलब टाइम निकल गया सो पता नहीं चला। सो फाइनली मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया, और आप मेरे चेहरे की स्माइल देखकर समझ सकते हो कि मतलब मुझे कैसा फील हो रहा होगा, मेरा कितने सालों का ड्रीम आज कंप्लीट हुआ था। ये देखो मेरी इतनी बड़ी सी स्माइल निकलती है। प्योर डार्क नहीं हो रेड नहीं है, मेरा ड्रीम तो कंप्लीट हो गया। सो आपका ड्रीम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।